प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। तो अपन वेक्टर एलजेब्रा के लेक्चर नंबर जो 9 था, तो उसमें अपन ने डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ग्रेडियंट थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो उनको अपन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले अपन जो लेक्चर नंबर अपना 8 था, तो मैंने उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम दी थी, 8 में या 7 में कुछ आपको प्रॉब्लम दे रखी है। तो कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवाओ, तो हल्की नज़र अपन उन प्रॉब्लम पे डाल लेते हैं। तो ध्यान से सुनो अब। हाँ भाई, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको लिखवाया था, नोट करवाया था। ये था इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। यही क्वेश्चन था, चेक करो भाई। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, देन ए माइनस बी का मॉडुलस का स्क्वायर दे रखा है क्या, प्लस बी माइनस सी का मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए के मॉडुलस का स्क्वायर। ये कह रहा है डज नॉट एक्सिड 4, 9, 8, 6, आपके ऑप्शन में यही दे रखे हैं क्या। एक मिनट ध्यान से इधर देखेंगे, सुनो। सॉल्यूशन करते हैं अपन फर्स्ट का, सुनेंगे ध्यान से। यदि अपन बात कर रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या वैल्यू है अपने पास, मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। अब सुनो भैया, एक मिनट। हाँ भैया, जैसे अपन ए वेक्टर है अपने पास, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। सबसे पहले आपको ये पता है क्वेश्चन ने यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, मतलब इनका मॉडुलस निकालेंगे तो मान कितना आएगा, 1। ठीक है भैया, अपन क्या करते हैं इनका स्क्वायर कर देते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनका क्या करते हैं, चलो मॉडुलस का स्क्वायर कर देते हैं। ये ले दिया मॉडुलस। मॉडुलस क्यों ले रहे हैं अपन, यहाँ पे मापांक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है उसका मॉडुलस कितना होता है, 1। इधर देखो अब ध्यान सुनो, यदि अपन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। चेक करो, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेशन लॉ का फॉलो होता है, जानते हैं ना अपन। चेक करो भैया, सही लिखा है, इसी प्रकार ओपन करते हैं इसको अपन। हाँ भाई, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ भैया, इनका मॉडुलस कितना होता है, 1। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1, 2 ए डॉट बी, इधर देखना बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। एक बात समझो, अपन क्या कह रहे हैं, ये मॉडुलस का स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, अपन ये बात सही बोल रहे हैं कि, देखना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यदि अपन मॉडुलस का स्क्वायर निकालें, मॉडुलस में कभी मान नेगेटिव आता है, ये मान या तो बड़ा आएगा या इक्वल आएगा, किसके, 0 के, कभी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है क्या ये। तो इधर देखना क्या लिख दिया अपन ने, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। सही लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, क्या गया, ट्रांसफ़र कर दो तो 3 इधर गया, तो माइनस का 3 और बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, केवल अपन ने यहाँ पे एलजेब्रा लगाइए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोला, ये फार्मूला अपन जानते हैं। हाँ भाई, अपन को ये दे रखा है, तो इसका स्क्वायर अपन ओपन करें तो क्या आएगा, एक मिनट इधर देखना। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे यहाँ पे खोलें बी माइनस सी का तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ पर खोलेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। सही बोला है,
तो इधर देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू सी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दें अपन, चेक करना, कॉमन ले लिया टू, सही लिखा है क्या? हाँ भैया। प्लस यहाँ से इधर देखो ए डॉट बी, अच्छा माइनस आएगा, तो ये लिख दिया माइनस, टू ए बी फार्मूले से टू बी सी, टू सी ए, टू कॉमन ले रखा है, क्या आ जाएगा ए डॉट बी, ये माइनस कॉमन लेना चाहो तो ये माइनस कॉमन ले लिया, बी डॉट सी आएगा क्या, और इसमें सी डॉट ए या ए डॉट सी, चेक करो सही लिखा है क्या। इक्वेशन फर्स्ट में ये मान है क्या अपने पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू पुट करते हैं, देते देखो टू, ये यूनिट वेक्टर वन प्लस वन प्लस वन माइनस, ये मान कितना है, अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया है ना ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, कितना मान है, यूनिट वेक्टर है तो वन पुट किया था, तो वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया था, थ्री बाई टू इधर चले गया, तो क्या आ गया माइनस थ्री बाई टू, यही आएगा, चेक कर लो सही लिखा है। हाँ भैया, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ से पूछ करके लिख लेना है ना, ये टू थ्री हो गया माइनस थ्री बाई टू, तो कैलकुलेशन को चेक कर लिया करो, हल्की सी मिस्टेक हो सकती है कहीं पे। हाँ भाई, टू फोर माइनस थ्री सही है, सॉरी सिक्स माइनस थ्री बाई टू, क्या गया टू से टू कैंसिल कर देना, सही है कि चेक करो, देखो मिस्टेक कर दी, ये नेगेटिव और ये मान क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का थ्री बाई टू था ना, वैल्यू चेक करो भाई, नेगेटिव तो फार्मूले का और नेगेटिव इस वैल्यू में आ रहा है, तो ये नेगेटिव चेक करना, ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और सिक्स प्लस थ्री क्या हो गया वन इंटू नाइन, तो कितना आ गया नाइन, चेक करो ऑप्शन में नाइन है क्या, देखो ऑप्शन को दे रखा है नाइन, फर्स्ट ए में दे रखा है फोर, बी में नाइन, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया, नाइन आ रहा है ना अपने। हाँ भाई आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्या है सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो, क्या प्रॉब्लम थी सेकंड क्वेश्चन में, हाँ क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है ए वेक्टर दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन, क्या दे रखा है ए वेक्टर दिया हुआ है अपन को, क्या दे रखा है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, और क्या दे रखा है बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, और क्या बोल रहा है लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे दिया, इफ सी वेक्टर इज ए, इफ सी वेक्टर इज ए वेक्टर सच दैट, कैसा वेक्टर दे रखा है, किस प्रकार डिफाइन कर रखा है कि जो ए डॉट सी है इसकी वैल्यू मोड ऑफ सी मिलेगी, ठीक है भैया, और क्या बोल रहा है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस क्या दे रखा है आपको स्क्वायर रूट में टू रूट, देखना टू रूट टू दे रखा है क्या, और क्या बोल रहा है द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30, थीटा कितना दे रखा है ध्यान रखना, लेकिन किस किस के बिटवीन है ए क्रॉस बी और सी के बिटवीन, ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, आपका क्वेश्चन चेक करो यही है क्या, आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट सी का मान मॉडुलस सी दिया हुआ है, सी माइनस ए का मान टू रूट टू, एंगल ए क्रॉस बी और सी के बिटवीन कितना है, और आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है मॉडुलस फॉर्म में। चलो भाई सॉल्व करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो, तो ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लें, आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर का कोफिशिएंट टू वन माइनस टू, हाँ क्रॉस बी वन वन वन,
क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इधर देखो भैया, आई कैप कैलकुलेशन का ध्यान रखना है भैया, वन माइनस ये कितना हो जाएगा, वन माइनस, लेकिन माइनस फार्मूले का तो ये हो जाएगा प्लस टू, सही है क्या? चेक करो, वन इंटू वन करेंगे, वन माइनस ये, ठीक है। आगे चलो भैया, माइनस जे कैप अल्टरनेट साइन आते हैं ना, टू वन माइनस टू, सही है ना, वन वन, अरे जीरो ये तो, के कैप का कोफिशियंट कहाँ है, जीरो, तो वन इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा ये तो। चलो माइनस जे कैप क्या आएगा बताओ, सॉल्व करो, जे कैप सॉल्व करना है, टू इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई इससे करो क्या जाएगा, टू इंटू जीरो किया जीरो माइनस, और अल्टरनेट साइन ये आ जाएगा प्लस का टू, ठीक है। चेक करो, प्लस के कैप क्या है, के कैप बताओ, टू इंटू वन माइनस वन, सही है। क्या आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, टू माइनस वन वन हो जाएगा ना, इसका मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस क्या आ जाता है, फोर फोर वन, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो थ्री आ जाएगा ना, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, सही है भाई। अब इधर देखो, आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू टू रूट टू, ये दिया हुआ है। स्क्वायर करें अपन तो ये क्या जाएगा, सी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं ना, माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर कर दो तो टू का फोर हो जाएगा, टू एट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, इसको सी स्क्वायर लिख देना, ए का मॉडुलस निकालो, इसका इसका अपन मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर और फोर भाई, टू का फोर और ये फोर, ठीक है, एट और इसका निकालेंगे तो वन, तो ये हो जाएगा नाइन, और स्क्वायर रूट करेंगे तो थ्री, सही लिखा है क्या, चेक करो, लेकिन स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर तो क्या आएगा, नाइन, ठीक है, माइनस टू। सी डॉट ए का मान तुम्हें दे रखा है क्या, ए डॉट सी या सी डॉट ए, बात एक ही तो होती है, कम्यूटेशन लॉ का फॉलो होता है डॉट प्रोडक्ट में, क्या दे रखा है, सी, ये लिख दिया मोड ऑफ सी, हाँ भैया इज इक्वल टू एट, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस टू सी, एट इधर आ गया तो वन इज इक्वल टू जीरो। इसे सॉल्व कर सकते हो या तो श्रीधराचार्य मेथड लगा दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, या ये बन गया सी माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करना, सी का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, वन, सही लिखा है अपन ने, ठीक है भाई। इधर देखो, अपने पास सी का मान आ गया, कितना आ गया, वन। आपको वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस क्या दे रखा है बोलना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको ए वेक्टर मान लें, क्रॉस इसको क्या मान लें, बी वेक्टर, तो कैसे खोलते हैं, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, यही होता है अपना फार्मूला, लेकिन ये बोल रहा है मॉडुलस, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर का मॉडुलस, तो ए का मान कितना रख दें, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, बी का मान सी का मॉडुलस साइन थीटा, दोनों के बिटवीन एंगल कितना दे रखा है, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, ये तो अपन जानते हैं, वन, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस आपने कैलकुलेट किया था ना, कितना था, थ्री, सी का मान आपने कैलकुलेट किया है कितना है, वन, साइन थर्टी का मान कितना होता है, वन बाई टू, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस वन, ऑप्शन में चेक करो थ्री बाई टू है क्या,
करो भैया चेक ऑप्शन में, 3/2 दे रखा है क्या? बी ऑप्शन है, सही है भाई। आगे देखो, चेक करो आपने सही किया था क्या, और यदि मिस्टेक हुई थी तो कौन से स्टेप में हुई थी। तो हल्की सी प्रैक्टिस करो भाई। सब अपन को सब फार्मूले आते हैं, लेकिन अपन को अप्लाई करना आना चाहिए और एक कैलकुलेशन का हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, क्या है आपको दे रखा है क्वेश्चन 3, क्या दिया हुआ है पढ़ो। लिखवा दिए थे ये? हाँ भाई, ये बोल रहा है लेट वी वेक्टर, वी वेक्टर क्या दे रखा है वी वेक्टर भैया, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, सही है भाई। और W वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 3k कैप, चेक करो i कैप प्लस 3k कैप। ये बोल रहा है इफ यू वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ध्यान सुनना आपसे क्या बोला है, यू वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर फोर, अब यूनिट वेक्टर की कंडीशन अपन को पता होनी चाहिए, फोर मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, यू वी डब्लू। कई बार ये अपन जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस का फॉलो करता है, तो कई बार ज्ञानी बन के इसको ऐसे भी लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, इधर देखो आगे बढ़ा दो, साइक्लिक प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी डब्लू यू, ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये चैन आगे गई तो यू आगे खिसक गया, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे डब्लू, और यहाँ पे क्या जाएगा, इधर देखो और आगे किसका साइक्लिक प्रोसेस में फॉलो होता है इसका, अपन जानते हैं ये वॉल्यूम को ही तो डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आपको ये लेक्चर नंबर 2nd या 3rd में पढ़ाया था एप्लीकेशन में याद हो तो। आगे किसका क्या जाएगा, डब्लू, हाँ भैया, और आगे गया यू, और आगे गया क्या जाएगा फी, जानते हैं ना अपन ये फॉलो करता है। तो आपसे क्या बोल रहा है, यू वेक्टर वी वेक्टर डब्लू वेक्टर, और इसका मान 0 होता है तो कोप्लेनर, कंडीशन याद है ना, हाँ यू वेक्टर वी वेक्टर डब्लू वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, इसकी कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्टडी करवा रहा है आपसे, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करवा रहा है, यू वेक्टर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, यू वेक्टर। अब दिमाग लगाओ भैया, और ऑप्शन आपको पता है, लगाओ माइंड भैया। सबसे पहले एक बात सुनो, अपन को यू वेक्टर वी वेक्टर डब्लू वेक्टर को ओपन करना चाहिए, तो कैसे ओपन करते हैं अपन, यू वी डब्लू कैसे ओपन करते हैं इसको, यू वेक्टर डॉट कोप्लेनर कंडीशन होती है बराबर 0 हो जाए, तो एक कंडीशन अपनी याद होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, हाँ भैया ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, पढ़ाया था आपको, हाँ भाई। अब देखो यू डॉट वी क्रॉस डब्लू, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वी क्रॉस डब्लू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1st दे दिया, वी क्रॉस डब्लू कैलकुलेट करते हैं, तो वी वेक्टर क्रॉस डब्लू वेक्टर हैं अपने पास, चेक करो एक बार। और आपसे एक बात बोलिए, यू वेक्टर है ये क्या है, यू वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो ऑप्शन में चेक कर लो कि आपको जो वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है उन सब का मॉडुलस निकालो, जब मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो डिवीजन करने पर, जैसे अपन बात करते हैं कोई सा भी ऑप्शन उठा के देखो, जैसे ऑप्शन 1st की बात कर लेते हैं, तो 1st में क्या दे रखा है, 1/√14, ये दे रखा है क्या, अब इसका मॉडुलस निकालो, मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 + 1 + 4, चेक करो कितना हो गया, 1। बी ऑप्शन चेक करो, यूनिट वेक्टर दे रखा होगा, 1/√6, चेक करो 4 + 1 + 1, चेक कर लो 2√6 कैंसिल हो रहा है। आगे भी चेक करो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस का मान कितना आना है, 1। तो यू वेक्टर क्या है अपना, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कौन सा है जो अपन को ऑप्शन दे रखा है, उनमें से कौन सा सही है, तो वी क्रॉस डब्लू कैलकुलेट करते हैं, पहले इधर देखो आई कैप जे कैप के कैप इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं, वी 2 1 - 1 1 0 जे कैप का ऑफिशियल देखो 3
तो कैलकुलेट करेंगे तो वी क्रॉस डब्लू आई कैप 3 माइनस 0 माइनस जे कैप 2 × 3 करेंगे तो 6 प्लस हो जाएगा 1 प्लस के कैप 0 माइनस 1 क्या आ गया v क्रॉस w इज इक्वल टू 3 i कैप 7 j कैप प्लस k कैप सही लिखा है। और यदि इसका मॉडुलस निकाल लें जिससे काम आ जाए तो आगे v क्रॉस w का मॉडुलस कैलकुलेट करें तो ये आएगा 9 49 प्लस 1 स्क्वायर रूट में 59 आ गया। एक मिनट इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करें अपन, जैसे एक मिनट अपन को ए डॉट बी सॉल्व करता फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू वेक्टर वी वेक्टर डब्लू वेक्टर। अब हल्का सा आइडिया लग जाना चाहिए, ए डॉट बी को सॉल्व कर रहे हैं अपन। ए डॉट बी को कैसे सॉल्व करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड चेक करो, इसी प्रकार सॉल्व करते हैं क्या ए डॉट बी, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोसाइन फंक्शन आता है क्या कॉस थीटा। ये बोल रहा है इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए, चेक करो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कौन सी वैल्यू के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू की जब बात करेंगे यू का मॉडुलस, हाँ भाई वो बोल रहा है यू वेक्टर एक यूनिट वेक्टर तो मॉडुलस 1 हो जाएगा, लिखना चाहो तो 1 वी क्रॉस डब्लू का मान कितना है चेक करो, और कॉस थीटा का मान मैक्सिमम, कॉस थीटा मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो अपन कॉस थीटा क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम कहाँ पे होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0। अब चेक करो स्क्वायर रूट में 59 है क्या, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये अपने रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये जैसे अपन एक तरीके से बोलना चाहे तो टाइम ट्रायल मेथड। अब ऑप्शन में देखो ये मिल रहा है क्या अपन को स्क्वायर रूट में 59 डी, तो डी सही है अपना चेक कर लो डी मिल रहा है क्या अपन को। और एक मिनट ये देख लो वो यूनिट वेक्टर है क्या, देखना क्या वेक्टर दे रखा है 3 i कैप माइनस 7 j कैप माइनस k कैप। यदि अपन सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना आ गया स्क्वायर रूट में 59 और अपॉन स्क्वायर रूट 59 कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट वेक्टर को फॉलो कर रहा है तो कौन सा आंसर है अपना डी ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं अपन को जो चेक करके देखने पड़ेंगे। हल्का सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, मतलब अपन को ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जिनका अपन को यदि आंसर देना है तो ऑप्शन में से ही चेक करना होगा ठीक है। हाँ भाई आगे क्या बोल रहा है, एक प्रॉब्लम और दे रखी है आपको, कौन सी प्रॉब्लम थी चेक करो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था द वेक्टर ए वेक्टर, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से, द वेक्टर ए वेक्टर प्लस 3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर दे रखा है परपेंडिकुलर टू 7 a वेक्टर माइनस 5 b वेक्टर चेक करो ये दिया हुआ है क्या। और क्या कह रहा है आगे द एंगल बिटवीन ए एंड बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, यही क्वेश्चन है क्या द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है इसको मैं तुम्हें कहीं मिस्टेक है इस क्वेश्चन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो इसको मैं तुम्हें सही करवा दूंगा ठीक है। लास्ट में जो भी प्रॉब्लम है जहाँ से मैंने ये रेफरेंस से उठाया क्वेश्चन में आपको सही करवा दूंगा ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 आगे प्रॉब्लम में क्या दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल ओपी पेड हुज साइड्स आर गिवन बाय, ये तो गए होगा इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप करवाएं भाई, आपको ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है सी वेक्टर दे रखा है और वॉल्यूम पूछ रहा है
हाँ भैया कैसे सॉल्व करेंगे, अभी समझाया था ना, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ए डॉट बी क्रॉस सी, आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, ये वॉल्यूम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। तो ए वेक्टर के यहाँ पे वैल्यू कोफिशिएंट की पुट कर दो, बी वेक्टर के कोफिशिएंट की पुट कर दो, सी वेक्टर के, जो मान आएगा कितना मान है 264 आएगा। ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है पढ़ो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपसे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर, मतलब आपको यूनिट वेक्टर दिए हुए गिवन, ध्यान सुनना आपसे क्या बोला है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर ये आपको दिया हुआ है, ध्यान रखना। अब ये दो बात बोल रहे हैं, ध्यान सुना, यूनिट को प्लेनर वेक्टर, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी का मान क्या होगा, जीरो, नहीं आई बात समझ में, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, या ऐसे लिख दो आगे बढ़ा दो बी सी ए, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, या और आगे बढ़ाओ सी ए बी, को प्लेनर कंडीशन मान कितना होगा, जीरो। और एक बात और, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मॉडुलस का कितना मान है, वन, ये आपसे बोला है यूनिट कोप्लेनर वेक्टर, ये दिया हुआ है, यूनिट का मतलब मान वन, कोप्लेनर की बात समझ में आ गई। हाँ भाई वीलो इसकी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो ए डॉट बी क्रॉस सी का। आगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन पढ़ो, देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपसे बोल रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, टू ए माइनस बी वैक्टर 2b माइनस सी वेक्टर और 2c माइनस ए वेक्टर, इसका आंसर पूछ रहा है और आपको ऑप्शन दे रखा है 0, 1, स्क्वायर रूट माइनस 3 और रूट 3। चलो चेक करते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ये पूछ रहा है। तो a डॉट b क्रॉस c को आराम से सॉल्व कर सकते हो, हाँ भाई a डॉट b क्रॉस c को ये कंडीशन दी हुई है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं अपन दोनों को, और इसको ए डॉट बी क्रॉस सी से, अब थोड़ी सावधानी बरतो करो सॉल्व क्या आएगा, देखो 2a माइनस बी वेक्टर डॉट, इसको मैं a वेक्टर मान लेता हूँ, इसको b वेक्टर और इसको c वेक्टर, b क्रॉस सी 2b माइनस सी क्रॉस 2c माइनस a, आ रहा है ना समझ में भैया, इधर देखो। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले उसको क्रॉस को सॉल्व कर लेते हैं, 2a माइनस बी डॉट क्रॉस को सॉल्व करते हैं, तो 2b का मल्टीप्लाई इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी क्रॉस सी आ गया, 4 लिख दें डायरेक्ट, 4 बी क्रॉस सी, ठीक है मल्टीप्लाई माइनस 2 बी क्रॉस ए, चेक करो भाई, ठीक है माइनस 2 सी क्रॉस सी, 0 हो जाएगा ये तो, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए, चेक करो यहाँ तक, तो ये तो जीरो हो गया सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आ गया होगा, ठीक है अब मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, दोनों करेंगे तो पहले इसका करते हैं, एक एक करेंगे तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, ठीक है और क्या आएगा, ए वेक्टर ऑपरेशन क्या है डॉट बी क्रॉस सी, चेक करो सही लिखा है ये डॉट ऑपरेशन, हाँ भैया फिर इससे मल्टी, इधर देखो ये कर दिया, अब अपन इससे करते हैं माइनस 4 बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये जीरो हो गया,
दो सेम नहीं आ सकते, सेम आ जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। एक तरीके से अपन देखें तो ये डिटरमिनेंट को शो कर रहा है, और यदि यहाँ पे इधर देखो यदि दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो जीरो आ जाएगा मान। हाँ भाई अपन क्या बोल रहे हैं, यदि इसमें दो वैक्टर इक्वल आ गए जैसे बी डॉट बी आ रहा है तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, यदि यहाँ पे इधर देखो ए होता और यहाँ पे ए आ गया तो भी जीरो होता, यदि दो वेक्टर सेम हो जाए, कहने का मतलब ये है। आगे देखो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लिया, अब अपन क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, चेक करूँ सही लिखा है, माइनस कैलकुलेशन देखते रहना, टू बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, सही है। आगे देखो ये जीरो हो ही गया, अब इससे करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलना, ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस आएगा, इससे क्या आएगा, ठीक है, माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब एक मिनट ध्यान से देखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या दिया हुआ इक्वेशन फर्स्ट से, जीरो, सेम के कारण जीरो, सेम के कारण जीरो, बी बी सेम के कारण क्या हो गया जीरो जीरो, और बी सी ए चेक करो ये प्रॉपर्टी बन गई का क्या हो गया जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपन सॉल्व करें जीरो, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आ गया समझ में, ये कंडीशन दी हुई है आपको, तो यहाँ तक अपने समझ में तो आया, तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार अपन को यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन अप्लाई करना आना चाहिए, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए थे। और जैसे मान लो क्वेश्चन बाई चांस गलती से जैसे नहीं हुए तो अप्लाई होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे कैसे आएंगे, तो अभी अपन अप्लाई करना सीख रहे हैं, जब दो चार पाँच क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे फिर आराम से आप आईपीएस को सॉल्व कर सकते हो। तो जो तुम्हें प्रैक्टिस सीट दी हुई है इंस्पायर एकेडमी की, अब आराम से वेक्टर अलजेब्रा को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, इसलिए आपको क्लास में ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जा रही है। और जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिक्स या सेवन, सिक्स तो आपको ये करवा दिया, सिक्स तो करवा दिया, जो क्वेश्चन नंबर सेवन है उस सेवन में मिस्टेक है, ठीक है, तो उसको मत करना, ये एग्जाम में आया हुआ है जो कि तुम क्वेश्चन पर इसमें मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन फोर्थ में मैं कंप्लीट करवा दूंगा उसमें क्या दे रखा है, और क्वेश्चन एट आपको करवा दिया था लेक्चर नंबर शायद एट में या नाइन में आपको करवा दिया गया है क्वेश्चन एट, ठीक है। तो यहाँ तक अपने समझ में आ गया, सभी क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन कहाँ चल रहे थे बताओ, अपन ने जो थ्योरम थे उनके एप्लीकेशन लिखे थे और उनसे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो तुम्हें मैंने ग्रेडियंट थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, कुछ डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड सॉल्व करवाई थी, तो आगे प्रॉब्लम एक दो और सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, और आप कोशिश करना सॉल्व करने की। चलो भाई एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। लिखो एक प्रॉब्लम क्या कह रहा है और हल्का सा दिमाग लगा के सॉल्व किया करो, क्या बोल रहा है, इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ सरफेस एस दे रखा है बी एनी क्लॉज, ये क्लॉज सरफेस है, क्लॉज सरफेस, और क्या बोल रहा है, एन क्लॉजिंग ए वॉल्यूम, एक वॉल्यूम से क्लॉज है, वॉल्यूम क्या है वी, फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड ध्यान से सुनो एफ वेक्टर कोई फोर्स फील्ड दे रखा है, टू एक्स आई कैप प्लस थ्री वाई जे कैप, ध्यान से देखो अच्छा क्वेश्चन है, प्लस सेवन जेड के कैप, सेवन जेड के कैप, और क्या बोल रहा है, ये आपको फोर्स फील्ड दिया हुआ है, देन
देन द वैल्यू ऑफ सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल क्या है, ध्यान से देखना, एफ वेक्टर डॉट, ये यूनिट वेक्टर है एन कैप डॉट डी एस, इसको डी एस वैक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, एन कैप डी एस इज इक्वल टू आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एट वॉल्यूम, बी में दे रखा है टेन वॉल्यूम, ट्वेल्व और डी में 14 वॉल्यूम। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। ये बोल रहा है इफ एस बी एनी क्लोज सरफेस, मतलब जो एस है ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, एन क्लोजिंग ए वॉल्यूम, और ये क्लोज हो रहा है, जो ये सरफेस है ये बद्ध है, बाउंड है, किससे बाउंड है, वॉल्यूम से। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एफ वेक्टर, इसके लिए फोर्स फील्ड दे रखा है आपको, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन, जो ये सरफेस है इसका ये सरफेस इंटीग्रेशन है किसके इक्वल है, एट वॉल्यूम के, टेन वॉल्यूम के, किसके इक्वल है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो दिमाग लगाओ हल्का सा, सरफेस और वॉल्यूम की बात कौन सी थ्योरम में होती है, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम याद है, जो सरफेस इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट करती है, सरफेस इंटीग्रेशन में। एक मिनट देखो इधर, यदि अपन डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या काम करती है, आप इधर देखना, लिखवाया था डेल डॉट ए वॉल्यूम को, या तो डी वी से या डी टो से, दो तुम्हारी इच्छा, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, डी वी वॉल्यूम, ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन लगा दो इधर, ट्रिपल लगा दो, एक ही बात है, ए डॉट डी एस। लेकिन यहाँ पर अपन ने वेक्टर फील्ड ए ले रखा है, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ, तो एफ लिख लेंगे, बताओ इतना समझ में आया नहीं है। अब जैसे डी एस वेक्टर दे रखा है, अब डी एस वेक्टर को यदि अपन लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, डी एस वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं अपन, किसी भी का लिखना होता है, जैसे ए का लिखना है तो कैप वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, इसी प्रकार लिखते हैं, तो डी एस वेक्टर का लिखेंगे तो डी एस कैप, तो यूनिट वेक्टर किससे दिखा रखा है, एन कैप से, डी एस मल्टीप्लाई हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एस वैक्टर को लिखना चाहो तो, एक ही तो बात है, मॉडुलस है ना, अपॉन करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आ गया समझ में, करो तो सॉल्व। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पर ए वेक्टर के स्थान पर फोर्स फील्ड क्या दे रखा है, एफ वेक्टर, ये आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करना है इसमें, इसमें वैल्यू पुट करें तो इधर देखो ये मान रख रहे हैं इसमें, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डी वी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस वैक्टर, एन कैप डी एस का मान लिखना चाहो तो एन कैप डी एस लिख लो, जो आपकी इच्छा, यही कैलकुलेट करना है क्या, चेक कर लो। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, एक मिनट, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को सरफेस में, ये कहाँ से लिखा है, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हाँ भाई एक मिनट मुझे बताओ, आपको एफ वेक्टर क्या दे रखा है, टू एक्स आई कैप, थ्री वाई जे कैप, सेवन जेड के कैप। हाँ, डिफरेंशियल ऑपरेटर का फार्मूला आप जानते हो, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इधर देखो डेल डॉट एफ, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं ना, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये जो अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर है इस पर एफ ऑपरेट कर दिया, तो एफ ऑपरेट करेंगे तो क्या जाएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। यदि अपन लिखना चाहें तो ये बन गया है ना, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, तो क्या जाएगा, डेल आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो क्या जाएगा, चेक करो ये मिलेगा क्या, तो एफ एक्स क्या है, जिसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, टू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो टू। हाँ भैया, वाई के रेस्पेक्ट में एफ वाई क्या है, थ्री प्लस सेवन, तो डेल डॉट एफ कितना हो गया, ट्वेल्व।
वैल्यू पुट कर दें इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, क्लॉज सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू कितना आया है 12, कॉन्स्टेंट को बाहर लिख दें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो 12 वी, चेक करो क्लॉज सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप डी एस है क्या ऑप्शन में, किसके द्वारा हो गया, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये अपने डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन समझ में आया नहीं आया, तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको मैंने ग्रेडियंट थ्योरम के एप्लीकेशन समझाए थे, ठीक है। इधर देखो, हाँ, एक लेक्चर 6 या 7 में अपन ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, आपके याद हो तो, एक बच्चा प्रॉब्लम पूछ रहा था, ये डेल ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है डॉट आर वेक्टर अपॉन आर एन, तो बच्चे ने कहा सर ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी को इस पर ऑपरेट करेंगे, लेक्चर 7 में के समथिंग है, जब ग्रेडियंट के वहाँ पे अपने कुछ डाइवर्जेंस क्वेश्चन सॉल्व किए, देख लेना 7 या 8 में है, जब अपन इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट से क्या मिलता है स्केलर फंक्शन, तो स्केलर फंक्शन जब इस पर ऑपरेट करते हैं तो उसे अपन ग्रेडियंट बोलते हैं, तो ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया। फिर सर आपने बोला था कि इसका अपन डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस और कर्ल कैसी क्वांटिटी के कैलकुलेट होते हैं, वेक्टर के। तो जब आप डाइवर्जेंस और कर्ल निकालते हो तो एक मिनट इधर देखो, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना, किसका यूज करना, क्रॉस का। तो मैं जब आपको समझा रहा था तो ये बात समझाना भूल गया था कि यहाँ पे क्रॉस लगा के सॉल्व करना, ठीक है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करना, अब क्रॉस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, भाई इसका डाइवर्जेंस कर्ल तो निकाल नहीं सकते, स्केलर है तो ग्रेडियंट ही निकलेगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करके देखना हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो आराम से हो जाएंगे। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन आगे लिखते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। चलो एक एग्जाम में आएगा क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखना भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आगे। प्रॉब्लम 4, एनी क्लॉज सरफेस एस द इंटीग्रल ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना, अच्छा सरफेस इंटीग्रेशन दे रखा है, आर वेक्टर क्रॉस एन कैप डी एस इज इक्वल टू, ऑप्शन में दिया हुआ है एस 2s 3s 0, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर एनी क्लॉज सरफेस एस, कोई क्लॉज सरफेस एस है उसके लिए बात कर रहा है, ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है ये किसके इक्वल है, सरफेस आर वेक्टर, इसको अपन डीएस वेक्टर बोल सकते हैं ना, अभी आपको समझाया था आर क्रॉस डीएस, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे आर वेक्टर पोजिशन वैक्टर है, आर वैक्टर क्या है अपना पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर है, यदि समझना चाहो तो आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजिशन वेक्टर है अपना। जैसे अपन इसका डाइवर्जेंस निकालें तो मान कितना आता है 3 और कर्ल निकालें तो 0, कर्ल निकालेंगे 0 कैसे, जैसे कर्ल कैसे निकालते हैं डेल क्रॉस आर, तो आई कैप जे कैप के कैप डेल, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे पोजिशन वैक्टर आई कैप कोफिशियंट एक्स वाई जेड करवाया था ऐसा क्वेश्चन, तो ये इस पे ऑपरेट होगा, ये इस पे ऑपरेट, तो एक्स वाई जेड क्या होते हैं फ्री वेरिएबल, तो वाई के रेस्पेक्ट में जेड का करेंगे 0, जेड के रेस्पेक्ट में वाई करेंगे 0, तो अपन को जो डेल क्रॉस आ रहा है क्या मिलेगा 0 यू जाएगा, इसलिए बताया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपसे, फॉर एनी क्लॉज सरफेस एस,
कोई क्लोज सरफेस दे रखा है, इधर ये अपन को इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो एक मिनट इधर देखो, ध्यान से समझना भैया, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो एक मिनट, कोई यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर मान लेते हैं जो आपकी इच्छा, जैसे अपन ने कोई भी अपनी इच्छा से आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया, जैसे अपन ने ये मान लिया लेट ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, कोई कांस्टेंट वेक्टर मान लिया, और अपन क्या करते हैं इससे इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो कांस्टेंट है ए डॉट, ध्यान रखना अपन ने आर्बिट्री कांस्टेंट माना है, कोई अपनी इच्छा से माना है, स्वैच्छिक है, क्या है भैया आर वेक्टर क्रॉस यही है कि चेक करो, ठीक है। अपन ने ये इंटीग्रेशन लिखा और अपना कोई कांस्टेंट वेक्टर था उससे डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये क्यों कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए। इधर देखो, कांस्टेंट वेक्टर को इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं भैया, तो इसको ऐसे लिख दें सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या है एन कैप, इसको ऐसे लिख दें डी एस। तुम ध्यान से देखो तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी का फार्मूला बन गया क्या। तो अभी अपन बात कर रहे थे जैसे अपने पास ए बी सी है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं आगे खिसकाओ, बी सी ए, और क्या लिख सकते हैं आगे खिसकाओ प्रॉपर्टी को सी ए बी, यही बोला था क्या, आगे खिसका दिया, ये आगे गया ना बी सी ए और आगे गया, चेक करो। तो इसी प्रकार यदि ये प्रॉपर्टी इसमें लगाएं, ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, ये प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं तो ये क्या है ए आर एन, ठीक है। और यदि इस प्रकार प्रॉपर्टी लगाएं तो आर एन ये आएगा ना आर एन ए, ये मिलेगा, चेक करो अपन को यही मिलेगा क्या, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन मैं सही लिख रहा हूँ, चेक करो इन दोनों का क्रॉस कर दो, और यदि ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो और आगे बढ़ जाएगा एन, इधर देखो और आगे बढ़ा तो क्या आएगा ए और आगे बढ़ा आर, और ये क्या लिखा हुआ है ए आर एन, वेक्टर लग रहे हैं इन सब के ऊपर, ये यूनिट वेक्टर है तो कैप लग रहा है, सही लिखा है। एक मिनट चेक करेंगे, पहले ए आर एन, फिर आगे खिसका आया आर एन ए, फिर आगे खिसका आया एन ए आर, तो इसको लिखते हैं तो क्या आएगा एन कैप डॉट ए क्रॉस आर, ए वेक्टर अपना कांस्टेंट वेक्टर, सही लिखा है क्या, ये सही है। तो अपन जानते हैं, एक मिनट, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेशन लॉ का फॉलो करता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डॉट, भाई इसको ए डॉट बी या बी डॉट ए लिख सकते हैं डॉट एन कैप, और क्या है ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई डी एस सरफेस इंटीग्रेशन, बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आया ये एक वेक्टर फील्ड है या नहीं, ये क्या बन रहा है एक वेक्टर फील्ड, ए क्रॉस आर करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है डॉट डी एस, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये तुम ध्यान से देखो तो डाइवर्जेंस थ्योरम बन गई, कैसे बन गई डाइवर्जेंस थ्योरम अपनी, इधर देखो इस प्रॉपर्टी डेल क्रॉस आर पूछेंगे तो क्या होगा जीरो, ध्यान रखना कैसे बन गई डाइवर्जेंस थ्योरम अपनी, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी फ्रॉम गॉस जी डबल एस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, पढ़ाई थी ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी ए डॉट डी एस या एन कैप डी एस लिख लो, इसको समझाया था अभी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस को डेल डॉट से लिख देते हैं ना डीटो या डी वी, चेक करो ये वेक्टर फील्ड बन गया नहीं बन गया, ये वेक्टर फील्ड में पी वेक्टर मान लूँ या नहीं मान लूँ या ए वेक्टर मान लो जो भी आपकी इच्छा, तो पी डॉट डी एस वैक्टर चेक करो पी डॉट डी एस वैक्टर, तो इसमें थ्योरम लगाएं तो क्या आ जाएगा, यदि अपन यहाँ पे थ्योरम लगाएं तो ये लिख दिया, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका तो मैं इक्वल करके लिख रहा हूँ इसी को, आगे आगे स्टेप बना रहा हूँ, हाँ भैया डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, तो क्या लिखेंगे डेल डॉट ए, ए क्या है तुम्हारा वेक्टर फील्ड ए क्रॉस आर,
चेक करो भैया, थ्योरम लगाना, समझ में आ रहा है? थ्योरम में अप्लाई करना, ये वेक्टर फील्ड तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये रहा अपना वेक्टर फील्ड ए या पी वेक्टर जो आपने माना है, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डीवी। तो यहां से ये कैसे लिखा है, डाइवर्जेंस थ्योरम, समझ में आ गया, बराबर ये आपका चले रहा है। ध्यान से सुनो भैया, एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी आपके याद हो तो, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी लिखवाई थी, वेक्टर अपन ने जब वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पे लिखवाई थी डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, बी वेक्टर याद करो कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए माइनस ए वेक्टर कर्ल ऑफ बी, चेक करो ये प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, लिखवाई थी आपको। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, इसको ए वेक्टर इसको बी वेक्टर, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बन गया, ध्यान से देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, बी वेक्टर, बी क्या माने इसको ए और ये बी, तो आर वेक्टर, कर्ल, कर्ल क्या लिखते हैं डेल क्रॉस आर, डेल क्रॉस ए, ए वेक्टर ये लिख दिया, ठीक है, माइनस ए वेक्टर लिखा, कर्ल ऑफ बी, कर्ल क्या है डेल क्रॉस, हाँ भैया कर्ल ऑफ बी, बी क्या है यहां पे आर, चेक करो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये ओपन सही किया है क्या, और डीवी। अब मुझे एक बात बताओ, डेल क्रॉस आर का मान कितना होगा, अभी समझाया था ये मान जीरो, ठीक है, एक बात और समझाई थी जिस दिन तुमको डाइवर्जेंस कर्ल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था, कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस निकालते हो कर्ल निकालते हो क्या आता है बताओ, एनी कांस्टेंट वेक्टर के लिए बात करते हैं तो वहां पे डाइवर्जेंस और कर्ल का मान क्या आता है, तो ये कर्ल ही तो है, कोई कांस्टेंट वेक्टर, आपने कांस्टेंट वेक्टर ही तो माना है ए वेक्टर को, ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर और उसको क्या निकाल रहे हो कर्ल, तो ये मान भी क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो गई टर्म जीरो, क्या जीरो हो गया, ए डॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या है आर क्रॉस एन कैप डी एस, ये अपॉन में चल जाएगा इधर, हाँ भैया तो कितना मान आ गया इसका जीरो है ऑप्शन में, बताओ समझ में आया नहीं आया, तो ये अपन ने ए वेक्टर क्यों इंक्लूड किया था इसमें, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए, डाइवर्जेंस थ्योरम में चेंज करने के लिए, आ गई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, लिख लो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर देख लेना चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर आए हुए, अच्छा क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखो प्रॉब्लम को क्या कह रहा है, आगे लिखते हैं, ये बोल रहा है इफ, ध्यान सुनना, एन कैप इज द आउटवर्ड, जैसे ये सरफेस है तो आउटवर्ड, आउटवर्ड ड्रॉ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर, एक मिनट समझ में नहीं आई बात, जैसे ये सब अपना सरफेस है तो इस यहाँ पे अपन यदि यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो अपन यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक तो आउटवर्ड भाई इसकी डायरेक्शन दिखाते हैं अपन, ये सरफेस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो ये हो गया और यह क्या होगी ये, तो ये तो क्या हो गई इनवर्ड इनसाइड अंदर की तरफ और ये आउटसाइड, तो ये कह रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटसाइड दे रखा है, हाँ भैया और आगे क्या कह रहा है, टू सरफेस एस, कोई सरफेस एस है ठीक है, देन द
इंटीग्रल आपको क्या दे रखा है, देन द इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात की है, डाइवर्जेंस ऑफ एन कैप डी टॉ वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, एज इक्वल टू, और आपको ऑप्शन ए में दे रखा है एस, बी में दे रखा है 2s, सी में दे रखा है 3s, डी में दे रखा है 4s। ये क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन को पढ़ो पहले भैया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ n कैप इज द आउटवर्ड ऑन यूनिट नॉर्मल वेक्टर 2s सरफेस, मतलब सरफेस s के आउटवर्ड है, देन द इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डाइवर्जेंस एन कैप डी टॉ इज इक्वल टू, इधर देखो एक मिनट, ये तो एकदम सरल बन गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, तो इसकी वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले अपनी डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दो। क्या होती है अपनी डाइवर्जेंस थ्योरम बताओ, सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस अभी पढ़ा था बराबर, हाँ भाई, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो मैं डाइवर्जेंस ऑफ ए को ऐसे लिख दूँ आपके समझ में आ जाएगा, डेल डॉट ए वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी टॉ, भैया सही लिखा है। एक मिनट ध्यान से देखो, तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड क्या दे रखा है, ए वेक्टर आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है एन कैप, यही दिया हुआ है, और हम डी एस वेक्टर है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी एस वेक्टर है उसको क्या लिख देते हैं एन कैप डी एस, चलो सॉल्व करते हैं, मैं इसको पहले लिख दूँ, तो ये तो क्या बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर, ए वेक्टर का मान कितना है एन कैप, चेक करते रहो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ए वेक्टर का मान एन कैप डी टॉ, चेक करो भैया यहाँ तक समझ में आया नहीं, सरफेस इंटीग्रेशन, हाँ भैया ए वेक्टर के स्थान पर एन कैप, कितना सरल क्वेश्चन है, डॉट डी एस वेक्टर का मान बताओ एन कैप डी एस, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन हो जाएगा भाई, एन कैप डॉट एन कैप, आई डॉट आई क्या होता है वन, तो क्या आ जाएगा वन कॉन्स्टेंट बार, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस, चेक करो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई है क्या एस ऑप्शन में, बताओ क्या था, अभी आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, तो हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो अपनी आईपीएस है, उस आईपीएस में वेक्टर अलजेब्रा की जो पार्ट फर्स्ट है, शायद आईपीएस फर्स्ट के नाम से वेक्टर अलजेब्रा उसमें दे रखे हैं, इधर देखो, चलो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, क्या है सुनो भाई ध्यान से, आगे प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये कह रहा है लेट एस बी द सरफेस, सरफेस ऑफ द क्यूब, क्यूब बाउंडेड दोबारा सुनेंगे, लेट एस बी द सरफेस, कोई एस सरफेस है जो क्यूब, क्यूब का मतलब घन, से बाउंडेड है, परिबद्ध है, ठीक है, और क्या बोल रहा है बाय, बाउंडेड बाय, जो बाउंडेड है यहाँ पे लिमिट है वो डिफाइन कर रखी है, x इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ध्यान से देखना ये लिमिट दे रखी है, z इज इक्वल टू माइनस वन, और क्या बोल रहा है y, x इज इक्वल टू प्लस वन, y इज इक्वल टू प्लस वन, z इज इक्वल टू प्लस वन, द प्लस वन है, द इंटीग्रल ऑफ क्या दे रखा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है आर कैप डॉट एन कैप डी एस, या डी एस वैक्टर बोल देंगे ना, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, दिमाग लगाओ भैया, ये ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपके लिए जो दे रखे हैं, हल्का सा दिमाग लगाइए, करो सॉल्व 36, ये ऑप्शन आराम से सॉल्व कर सकते हो, लगाओ दिमाग,
आपको बाउंड्री दे दी, सरफेस इंटीग्रेशन दे रखा है, डाइवर्जेंस थ्योरम जानते हो, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो भैया। बताओ डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है आपकी। डाइवर्जेंस थ्योरम यदि हम लिखें तो ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, यही थी ना, डेल डॉट डी वी या डी टो जो आपकी इच्छा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर फील्ड क्या दे रखा है अपन को, आर वेक्टर डॉट, और डी एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एन कैप डी एस लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस। वेक्टर फील्ड क्या लिखा है ए वेक्टर के स्थान पे क्वेश्चन में, आर वेक्टर। बताओ डाइवर्जेंस अभी बताया था, डेल डॉट आर कर्ल तो जीरो होगा, आर वेक्टर निकालेंगे तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के करेंगे वन आ जाएगा, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में वन, तो क्या आ जाएगा डी वी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये थ्री माना जाएगा क्या, इंटीग्रेशन डी वी। अब एक मिनट, आपको ये डी वी यदि अपन चेंज करें जैसे एक्स वाई जेड की लिमिट दे रखी है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वॉल्यूम ही तो होता है, थ्री डी में लिखें तो डी एक्स डी वाई डी जेड, जेड की लिमिट क्या दे रखी है माइनस वन से प्लस वन, वाई की माइनस वन से प्लस वन, और एक्स की माइनस वन से प्लस वन, आराम सॉल्व कर लो तो थ्री। अब जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स, डी वाई का करेंगे तो वाई, डी वाई जेड करेंगे जेड, और मान रखेंगे अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर, और माइनस ये तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टू टू टू, कितना हो जाएगा टू इंटू टू फोर इंटू टू एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर है क्या, ऑप्शन में चेक करो इसका मान चेक करना है, देखो 24 ये आ गया। तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम के एप्लीकेशन आपके समझ में आ रहे हैं। हाँ, आपको एक और लेक्चर स्टार्ट किया है जेम के लिए, जो मैं आपसे बता रहा था थर्मोडायनेमिक्स का, तो आज आपके लिए फर्स्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का मिल गया है, उसको पढ़ लेना आराम से, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर डाल दिया तो उसको आप आराम से देख लेना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको समझाया था, व्हाट्सएप नंबर है, इन व्हाट्सएप नंबर पर आराम से आप कमेंट करके बता दो, ठीक है, या टेलीग्राम चैनल है अपना उस पर कमेंट कर दो या टेक्स्ट मैसेज कर दो, जैसे कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो इन नंबर पर फ़ोन कर लो या इन नंबर पर, दोनों ही व्हाट्सएप नंबर है, किसी पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, वैसे मोस्टली मेरे पास ये रहता है। और जब क्लास लेते हैं तो दोनों ही बाहर रहते हैं। अब जैसे लेक्चर तैयार कर रहे हैं तो इस समय फ़ोन तो है लेकिन फ्लाइट मोड पे डाल के रखते हैं इनको, ठीक है। इधर देखो तो आगे प्रॉब्लम और लिखो, लिखो एक क्वेश्चन और, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस वेयर एफ वेक्टर आपको दे रखा है थ्री एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड एस वेक्टर इज द क्लोज सरफेस एंड एस वेक्टर इज द क्लोज सरफेस by the planes closed surface by the plane, आपको क्या दे रखा है x is equal to 0 टू x is equal to 1, और क्या बोल रहा है ध्यान सुनो, y is equal to 0 टू 2 और z is equal to 0 टू 3,
ऑप्शन भी लिख लो लिखना चाहो तो, आपको दे रखा है ए ऑप्शन में दे रखा है 6, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं भैया। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से भैया, पढ़ो क्वेश्चन क्या दे रखा है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, ये आपको सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, जहां पे जनरल वेक्टर फील्ड क्या दे रखा है, ए वेक्टर कितना मान दे रखा है, एफ वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, और आपको यहाँ पे लिमिट दी हुई है एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो आराम सॉल्व कर सकते हो, लगाओ अपने एप्लीकेशन डाइवर्जेंस थ्योरम का। यदि अपन डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो क्या आएगा, डेल डॉट ए, इसी प्रकार लगाते हैं, या पहले सरफेस फील्ड लिख देते हैं तो ए डॉट डी एस, कैसे लिखते हो उसको, तो जो आपकी इच्छा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डेल डॉट ए। लेकिन यहाँ पर ए के स्थान पर वेक्टर फील्ड क्या दे रखा है, एफ, क्या लिखेंगे, डेल डॉट एफ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी वी। अब मुझे डेल डॉट एफ कैलकुलेट करके आप बताएंगे भैया, डेल डॉट एफ कैलकुलेट करना है, डेल डॉट एफ। तो सबसे पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में भाई i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे 2, z के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, तो डेल डॉट f कितना आ गया बताओ, डाइवर्जेंस ऑफ f कितना आ गया, 3 2 6 कितना हो गया, 5 6 हो गया क्या, हाँ भैया ये लिख दिया 6 dv, ठीक है। 6 कॉन्स्टेंट बार, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो dx dy dz वॉल्यूम बन गया। लिमिट लगा दो, x की लिमिट बताओ क्या है, 0 टू 1, y की लिमिट बताओ 0 टू 2, और z की 0 टू 3, वही कहानी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 6, हाँ भैया यहाँ से 1, 1 माइनस 0 करेंगे ना, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया, चेक करो, 3 इंटू 2 करेंगे 6 इंटू 6, 36 है क्या ऑप्शन में, 36 ऑप्शन में दे रखा है क्या, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक एक समझ में आ गया अपने, करो नोट। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे अब आपको ये 4-5 प्रॉब्लम करवाई हैं, तो इनमें से लगभग 2 या 3 प्रॉब्लम तो नेट में आई हुई हैं और कुछ प्रॉब्लम जैम में आई हुई हैं, तो इस प्रकार डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि एक थर्मोकल लेक्चर और आ गया है, तो जैम वालों के लिए थर्मोकल लेक्चर चेक और कर लेना, और नेट के लिए पार्टिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर चल ही रहा है, ठीक है। और कल से अपन, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट ग्रेड और ACF के जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, टच में है और तैयारी करना चाहते हैं, तो अपन 10 तारीख तक तो डेमो देंगे, जो अपने डेमो के YouTube पर जो अपने आएंगे लेक्चर, वो डेमो के लिए आएंगे, आराम से आप देख सकते हो। इसके बाद अपने ऐप पर आएंगे, और जैम और नेट का कल से हम अपने ऐप पर डालेंगे अपने वीडियो लेक्चर को, ठीक है भैया। तो आराम से नोट कर लो, जय श्री कृष्णा, है ना भैया।